हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज मैं दो बातों को लेकर के थोड़ा सा खुश हूँ। पहला ये कि कल मेंस का रिजल्ट आया है, और दूसरा ये कि मेंस में पॉजिटिव रिजल्ट होने की वजह से मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि मैं आप लोगों को गलत ट्रैक पे नहीं लेके जा रहा हूँ। तो जो मेरा अनुभव रहा है एक बार फिर से मेंस को क्वालिफाई करने का और इस पैटर्न पे क्वालिफाई करने का, तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो मेरा कवरेज है, जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा पॉइंट जनरेट करने का तरीका है, ये ठीक है। ऐसा जो है आयोग ने भी कह दिया है कि ठीक है, आप सही डायरेक्शन पे हो। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, पॉइंट्स को बार बार दोहराइए, उसको दोहराइए इन द सेंस कि आप रटिए नहीं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो सिचुएशन क्रिएट करके मैं बताता हूँ, जो सिचुएशन मैं एक एलिमेंट के रूप में आपके सामने रखता हूँ उसी हिसाब से आप समझ के उसको रखिए। तो एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आप जो है क्या कर लेंगे, अपने आंसर को अच्छा बना लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स के इस लेक्चर सीरीज में, और पिछले लेक्चर में हमने लगभग 10 टॉपिक को कवर किया था, और आज के लेक्चर में भी 10 टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि नज़दीक है एग्ज़ाम। बस यही है कि अब थोड़ा सा ये है, इस बात की भी खुशी है कि एक अथेंटिसिटी है, आप लोगों का थोड़ा सा और भी विश्वास हमारे ऊपर बनेगा। और दोस्तों, मैं और भी एफर्ट करूँगा कि जिस सिचुएशन में मैं हूँ, जिस खुशी का अनुभव मैं कर सकता हूँ, वो खुशी का अनुभव आप भी आने वाले रिजल्ट में करिए। बस हाँ, उसके बदले बस यही सपोर्ट चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवा रहे हमारा चैनल, जिससे हमारा भी मोराल थोड़ा सा ऊँचा हो, हमको और भी इंस्पिरेशन मिले, इंकरेजमेंट मिले, और भी एफर्ट डालने का। दोस्तों, मैं आपके लिए रात में उठ करके ये वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि दिन में उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि स्लाइड्स वगैरह ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपके लिए मैं रात में मेहनत करता हूँ, तो आप इतना मेहनत तो हमारे लिए कर ही सकते हैं कि कम से कम आप 10 लोगों से मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइए। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमारे चैनल पर आज इस लेक्चर को देखने के बाद कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। आपकी तरफ से मैं सिर्फ यही चाहता हूँ दोस्तों। अगर यही कोर्स आप चाहे मुखर्जी नगर में चले जाइए, आप चाहे इलाहाबाद में चले जाइए, करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए 5,000 से 10,000 रुपये तक का आपसे चार्ज कर देंगे, और वो भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनसे ज़्यादा बेहतर कहीं मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उनसे ज़्यादा कहीं बेहतर प्लानिंग के साथ, उनसे ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं ये कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो इसके बदले में दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ मैं मांग रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों से बोलिए कि सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। खैर दोस्तों, ये थी थोड़ी सी अपील और थोड़ा सा अपना जो गुड न्यूज़ था उसको शेयर कर रहा था मैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन हम कर रहे हैं, तो इसमें जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक्ट जब आया था तो बहुत सारा ह्यू एंड क्राई हुआ था, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे, लोगों को लग रहा था कि इतना ज़्यादा पेनाल्टी लगा दिया, ये है वो है, हेलमेट नहीं लगाओगे, ऐसा वैसा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली से लेकर के छोटे गाँव तक, इंडिया के जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसके बारे में चर्चा थी। तो इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे कि केवल क्या पेनाल्टी ही थी कि और भी कुछ अच्छी चीज़ें भी थी इस एक्ट में। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को अमेंड करेगा। ओरिजिनल एक्ट जो था वो 1988 का था, और अमेंडमेंट का जो एम था ये कि क्या एम करता है कि जो रोड फैटलिटीज़ है, मतलब कि रोड एक्सीडेंट के थ्रू जो डेथ हो जाती है इंडिया में, उसको कम करना, और उसके साथ साथ वीड आउट द करप्शन एंड प्रमोट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रेगुलेट ट्रैफिक। ठीक है, जो हमारा इस सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो
करप्शन है किस हद तक है, आप समझ सकते हैं कि आप जो है 500 रुपया दे करके ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं बहुत इजीली। तो ये तो बहुत छोटा सा एक एग्जांपल है करप्शन का। तो इस तरह के बहुत सारे करप्शंस होते हैं। तो करप्शन को दूर करना, रोड एक्सीडेंट को कम करना और ट्रैफिक रेगुलेशन में टेक्नोलॉजी का यूज करना, ये इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आप ये कह लीजिए कि एवरेज इंडिया में लगभग 400 डेथ रोड फैटलिटीज से होती है, रोड एक्सीडेंट से होती है डेली। दोस्तों ये उतना ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं होती है, लेकिन अभी आप इस समय अगर आप सुन रहे हैं कि कोरोना से 400 लोगों की मौत हो गया 24 घंटे में, तो आपको कितना बड़ा शौक लगता है कि वो माई गॉड 400 लोग। तो दोस्तों ये एक माइंडसेट है कि रोड एक्सीडेंट को हम बहुत हल्के में लेते हैं, तो इसलिए जो हमारा बिहेवियरल और एटीट्यूडनल चेंज होता है वो नहीं हो पाता है। तो रोड एक्सीडेंट और कोरोना दोनों का जो डेथ रेशियो है वो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोग रोड एक्सीडेंट को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। हेलमेट पहनने के लिए उनको कहा जाता है तो वो कहते हैं कि क्या करेंगे, इसको सर पे रख के जाएंगे, बहुत भारी लगता है, तमाम चीज़ें बताते रहते हैं कि हमारा बाल खराब हो जाएगा वैसा वैसा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को भी दूर करने के लिए ये एक्ट बात करता है, पेनाल्टी ही केवल नहीं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें जो की प्रोविजंस हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला दोस्तों जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो ये है कि रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया जाएगा। किस लिए? टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। दोस्तों इस तरह का कोई अभी तक कोई कमीशन या बोर्ड नहीं था जो नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेट करे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाने की बात की गई है। उसके बाद नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी की बात कही गई है कि इसको एक पॉलिसी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी टू इस्टेब्लिश ऑल प्लानिंग फ्रेमवर्क फॉर द रोड ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों थोड़ा थोड़ा कहीं पे स्पेलिंग छूट गई है, थोड़ा बहुत मिस्टेक है, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो कीबोर्ड था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो टाइप करने में थोड़ा परेशानी हो रही थी, तो इसको आपसे थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, इसको आप अपनी तरफ से सही कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। खैर देखते हैं, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सभी एस्पेक्ट पे, ट्रांसपोर्टेशन के सभी एस्पेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगी। उसके बाद एक्ट डिफाइंस टैक्सी एग्रीगेटर्स। टैक्सी एग्रीगेटर्स क्या होते हैं मैं समझाता हूँ, उदाहरण लीजिए सीधा सीधा, कुछ ज़्यादा सोचिए मत, दिमाग मत अपना ख़राब कीजिए। ओला और उबर को आप एग्जांपल ले लीजिए कि ये लोग टैक्सी एग्रीगेटर्स हैं। टैक्सी एग्रीगेटर्स आर द एंटिटीज व्हिच कनेक्ट द ड्राइवर एंड द पैसेंजर। आसान भाषा में टैक्सी एग्रीगेटर्स वो लोग होते हैं जो कि पैसेंजर और ड्राइवर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, और इसके बीच में उनका जो भी फायदा होता है, अपना पैसा कमीशन जो भी लेते हैं, वो अलग बात है। तो ये एक्ट टैक्सी एग्रीगेटर्स को क्लियरली डिफाइन करता है कौन, एज अ डिजिटल इंटरमीडियरीज। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि डिजिटल इंटरमीडियरीज, केवल इंटरमीडियरीज मत लिखिएगा, व्हिच कनेक्ट पैसेंजर टू द ड्राइवर। डिजिटल इंटरमीडियरीज व्हिच कनेक्ट टू द पैसेंजर टू द ड्राइवर, ये होते हैं एग्रीगेटर। उसके बाद एग्रीगेटर लाइसेंस विल बी इशूड बाय द स्टेट, दे मस्ट हैव कंप्लाई विद द आईटी एक्ट 2000, ठीक है दोस्तों। चूंकि ये डिजिटल इंटरमीडिएट हैं इसलिए इनको आईटी एक्ट 2000 में जो भी प्रोविजंस हैं उसको फॉलो करना होगा, उसके साथ कंप्लाई होना होगा, और उसके साथ साथ जो एग्रीगेटर्स को लाइसेंस देने की बात होगी वो कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा, ठीक है दोस्तों। जस्ट ए मिनट। उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद एक मोटर व्हीकल फंड बनाया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इसमें बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें कही गई हैं, लेकिन लोग पेनाल्टी और ये सब चीज़ों के बारे में लेकर के ही परेशान रहते थे, ठीक है। तो एक मोटर व्हीकल फंड बनाएगा, कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। क्या करने के लिए? इसमें जितने भी रोड यूजर्स हैं इंडिया में, जितने भी रोड यूजर्स हैं, अगर उनके साथ कुछ घटनाएं घटती हैं तो उनको ये इंश्योरेंस कवर देता है। दोस्तों हमारे मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डजेंट मैटर कि कितना इंश्योरेंस कवर है, कितना प्रीमियम है, क्या है, वो सब नहीं ध्यान देना है, बस केवल आप ये
समझ के चलिए कि मोटर व्हीकल फंड बनेगा इंश्योरेंस देने के लिए किसको, सभी को, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, इंडियन, नॉन इंडियन, सबको दिया जाएगा अगर वो इंडियन रोड यूज कर रहे हैं तो ये सब देखिए कितनी अच्छी बात थी। फिर उसके बाद कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग टेस्ट टू अवॉइड फेक ड्राइविंग लाइसेंसेज, जिसकी बात हम कर रहे थे, ठीक है, तो अभी इसको कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। उसके बाद कैशलेस ट्रीटमेंट ड्यूरिंग गोल्डन आवर, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गोल्डन आवर में जो ट्रीटमेंट होता है, गोल्डन आवर दोस्तों क्या होता है कि जो लोग नहीं जानते, मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, गोल्डन आवर होता है कि जब आपका मान लीजिए कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके एक घंटे के भीतर का जो टाइम होता है, जो क्रिटिकल टाइम होता है कि आपको उसके बीच में इलाज मिलना ही मिलना चाहिए, तो उसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये एक्ट गुड समेरिटन्स के लिए भी गाइडलाइंस देता है, उनको डिफाइन करता है और उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। गुड समेरिटन्स दोस्तों ऐसा होता है, सपोज दैट कि आसान भाषा में समझिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं, आपने देखा कि एक महिला का एक्सीडेंट हो गया और वो गिरी हुई है, तो आप उठा के उसको हॉस्पिटल ले जाके पहुंचा दिए, तो आप जो हो गए वो गुड समेरिटन हो गए, मतलब कि आप जो है अच्छे व्यक्ति हो गए, उसको ले जाके पहुंचा दिए। तो ये एक्ट जो है गुड समेरिटन्स के बारे में बात करता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, हो सकता है उनको अवार्ड रिवार्ड भी दिया जाए, तो ये सब सारी चीज़ें भी इस एक्ट में डिफाइन की गई हैं। उसके बाद डिफेक्टेड मोटर व्हीकल्स कुड बी रिकॉल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जिनको, जो डिफेक्टेड हैं, जिनको वापस बुला लेना चाहिए, जिनको रोड पर चलने की अनुमति नहीं देना चाहिए, तो ऐसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। उसके बाद दोस्तों मैं इसको एकदम लास्ट में लिखा हूँ, पेनाल्टीज फॉर द ऑफेंसेज एंड इनकम्प्लायंसेज हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। आप समझ सकते हैं कि आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो कितना रुपया देना होगा, डजेंट मैटर, आपको याद नहीं करना है ये सब सारी चीज़ें कि कितना रुपया देना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई ऑफेंस आप करते हैं तो पेनाल्टीज आपको देनी पड़ेगी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी कभी ऐसा होता है लोगों के दिमाग में ये होता है कि कोई चीज़ वो लिखना चाह रहे हैं पर उसका एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है कि कितना पैसा था या कौन फंड था या कौन केस था, तो आपको क्या करना है उसमें, आपको जितना भी याद आ रहा है दोस्तों उसको लिख दीजिए, ठीक है। अभी आगे इसको मैं एग्जांपल के रूप में भी बताऊंगा, आपको जितना भी याद आ रहा है ना वो लिख दीजिए। जो एग्जामिनर होता है दोस्तों वो स्मार्ट है, वो एक्चुअली देखिए क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ पढ़े हुए हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए आप अपने ऊपर अप्लाई करके, जैसे आप कोई चीज़ पढ़े हुए हैं, जानते हैं उसके बारे में, तो क्या होता है जब आप उसको पढ़ते हैं वापस से, तो जैसे ही उससे रिलेटेड कोई शब्द सामने आता है तो आपका उसकी पूरी मीनिंग, उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, क्या कारण है, वो सब आपके दिमाग में चलने लगता है। तो सेम हैपेंस विद द एग्जामिनर्स, अगर उनको पता है कोई चीज़, चूँकि वो एग्जामिनर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर उनके पास होता है, तो वो उसको पढ़े होते हैं, तो जैसे ही उससे रिलेटेड कोई वर्ड आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर्स के दिमाग में फिर आपका सेंटेंस नहीं, उस वर्ड के पीछे या उस सेंटेंस के पीछे क्या भूमिका है, क्या मुद्दा है पूरा, वो उसके दिमाग में चलने लगता है। तो इससे आपको फ़ायदा होता है एग्जामिनर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने के लिए। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है जो भी जितना भी आपको याद आ जाए वो आप लिख दीजिए एग्जाम में, तो इससे फ़ायदा ही होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको पूरा नहीं याद आता है तो पूरा छोड़ ही देते हैं, अगर उनको कोई सेंटेंस नहीं याद आ रहा है तो वो पूरा सेंटेंस ही छोड़ देते हैं, अरे क्यों छोड़ रहे हो, जितना वर्ड जितना चीज़ें याद हैं आपको, जितना समझ में आ रहा है उतना ही लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। खैर आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया मोटर व्हीकल एक्ट का प्रोविजंस, उसके बाद अब देख लेते हैं कि इसमें इशूज क्या है। दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दिया गया कि हम ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन कर देंगे और ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट होगा सिग्नल का, इसके लिए दोस्तों हमको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, लाइक सीसीटीवी, स्पीड डिटेक्टर, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। लेकिन इस एक्ट में कहीं पे भी इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं किया गया है कि ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स आएंगे ऑब्वियसली उसमें पैसा लगेगा, और ये एक्ट नहीं बताता है कि उसको सेंट्रल स्कीम के थ्रू कोई ग्रांट दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देगा सेंटर, वहाँ से पैसा आएगा, या फिर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। कुल मिला के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात की गई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स आएंगे कहाँ से और उसमें जो पैसा लगेगा उसको देगा कौन, इसकी कोई बात नहीं की गई है, ये पहला इशू है। उसके बाद नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी, उसका एडवाइस चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी एक दोस्तों बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद
जो ट्रांसपोर्टेशन है ये है कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि ऐसा विषय जिस पे स्टेट भी अपना कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। ऐसे कंडीशन में जो भी पॉलिसी बनेगी वो पूरे इंडिया में थ्रू आउट इंडिया यूनिफॉर्म नहीं होगी, और अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा कोई भी पॉलिसी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आप समझ सकते हैं कि खिचड़ी हो जाएगा। कोई गवर्नमेंट कुछ लागू करेगा, कोई गवर्नमेंट कुछ लागू करेगा, फिर यहाँ पे कोई ऑफेंस होता है तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो ये सब सारी चीज़ें बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। क्यों? क्योंकि ये एक कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है। तो ये सब इशूज हैं। अब इसके लिए हम वे फॉरवर्ड क्या बता सकते हैं कंक्लूजन के रूप में? तो सबसे पहली बात कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज नीडेड। कैसे? आप सबसे पहले तो पैसे की व्यवस्था कीजिए कि ये पैसा कहाँ से आएगा, उसको डिफाइन कीजिए, और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो भी आपको रिसोर्स चाहिए उसको मोबिलाइज कीजिए और अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए। उसके बाद हमको मैन पावर चाहिए, इन मतलब एडिक्वेट मैन पावर आप इकट्ठा कीजिए। जैसे कि हमने कहा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आप ह्यूमन रिसोर्स की भी बात कर सकते हैं, आईटी रिसोर्स की भी बात कर सकते हैं, सोशल रिसोर्स की भी बात कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि लोगों के बिहेवियर और एटीट्यूड में चेंज लाना है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सोसाइटी खुद ही रूल फॉलोअर्स हो जाए, रूल को फॉलो करने लगेगी, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों हम यही कह सकते हैं कि आप ना कि हर किसी भी कोई भी आंसर लिख रहे हो तो उसके कंक्लूजन में इस तरह के सोशल बिहेवियरल और एटीट्यूडनल चेंजेस के बारे में ज़रूर बताइए। चाहे कोई मिशन हो, चाहे कोई पॉलिसी हो, चाहे कोई स्कीम हो, तो उसके उसमें जो है कंक्लूजन के रूप में ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखिए कि जो जब तक सोसाइटी फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक जो गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम, पॉलिसीज हैं ये सब क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मोटर व्हीकल एक्ट का जो भी इशूज था, प्रोविज़न था, और क्या हम कंक्लूजन के रूप में क्या हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है CDS के बारे में, चीफ ऑफ डिफेंस के बारे में। दोस्तों जस्ट दोस्तों ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं कि आर्मी, मिलिट्री, इन सब चीज़ों का कितना ज़्यादा एक्टिव रोल है इंडियन सिक्योरिटी में। आप चाइना का मुद्दा देख सकते हैं, पाकिस्तान का मुद्दा देख सकते हैं, ये तो चलता ही रहता है पाकिस्तान का। उसके बाद आप नेपाल का मुद्दा देख सकते हैं। तो ये चीफ ऑफ डिफेंस, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार आ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस है कौन, चीफ ऑफ डिफेंस क्या है। ठीक है, CDS, इसको पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम समझाते हैं आपको कि क्या इस पूरा मुद्दा है एक आसान भाषा में। CDS इज अ हाई मिलिट्री ऑफिस। आप इस वर्ड को याद रखिए, इसको जरूर मेंशन कीजिएगा कि पोस्ट नहीं है और ये ऑफिस है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक ऑफिस है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, ये कोई व्यक्ति नहीं होता है, ये ऑफिस होता है। दैट ओवरसी एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ 3 सर्विसेज, मतलब जो हमारा मिलिट्री है, जो आर्मी है और जो नेवी है, इन तीनों के सर्विसेज को ये कोऑर्डिनेट करेगा, एक सिंगल पॉइंट पे लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफर्स सीमलेस ट्राई सर्विस व्यूज एंड सिंगल पॉइंट एडवाइस टू द एग्जीक्यूटिव। मतलब ये आसान भाषा में कि ये तीनों सर्विसेज को एक जगह कोऑर्डिनेट करेगा, उसको इकट्ठा करेगा और वहाँ की जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए जो है एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, सिंगल पॉइंट एडवाइस। उसके बाद किस चीज़ पे एडवाइस करेगा, लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मैन पावर, मतलब हम ह्यूमन रिसोर्स को कैसे बढ़ाएं, इक्विपमेंट्स के बारे में बताएगा, उसके साथ साथ स्ट्रेटजी के बारे में भी बताएगा, और एबव ऑल जॉइंट मैनशिप इन ऑपरेशंस। जॉइंट मैनशिप इन ऑपरेशंस का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो भी आर्मी है, जो भी नेवी है, ठीक है, और जो भी मिलिट्री है, अगर इनको एक साथ ले आके कोई ऑपरेशन, कोई काम करना है तो इसका भी ध्यान रखना CDS का काम है। ठीक है दोस्तों, तो आसान भाषा में सिर्फ इतना समझिए कि CDS एक ऑफिस है, एक मिलिट्री ऑफिस है जो तीनों सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करके उनकी बातों को ले जा कर के गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, और उसके साथ साथ प्लानिंग, डिफेंस प्लानिंग, मैनेजमेंट और इक्विपमेंट, मैन पावर, स्ट्रेटजी और जॉइंट मैनशिप, इन सब चीज़ों को एक साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक साथ ले आके काम करने के लिए, सबको एक इंटीग्रेटेड मैनर में काम करने के लिए ये कार्य करता है। तो ये हो गया CDS। उसके बाद एज अ फ्यूचर, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, एज अ फ्यूचर वार्स बिकम शॉर्ट स्विफ्ट नेटवर्क सेंट्रिक कोऑर्डिनेशन एमंग 3 सर्विसेज इज क्रूशियल।
जैसा कि जैसे जैसे समय बीत रहा है दोस्तों, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए इक्विपमेंट्स और वेपन्स आ रहे हैं, ऐसे में जो नेचर होने वाला है, अगर फ्यूचर में कभी कोई वार होता है तो उस वार का जो नेचर होगा वो बहुत ही शार्ट और स्विफ्ट होगा, बहुत छोटा होगा और बहुत जल्दी से होगा। उसके साथ साथ नेटवर्क सेंट्रिक होगा, कितना कोऑर्डिनेशन है आपके सारे आर्मी में, मिलिट्री और नेवी में, उसके साथ साथ जो भी आपके पास डिफेंस रिसोर्सेज हैं उनमें कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद CDS बिल आल्सो एक्ट एज मिलिट्री एडवाइजर टू द PM ऑन द न्यूक्लियर इशू, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर प्लानिंग, न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन सब चीज़ों पे भी जो होगा CDS क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेगा। दोस्तों छोटा सा बैकग्राउंड है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जो इसका पहली बार रिकमेंडेशन दिया गया था वो था कारगिल कमेटी 1999 ने दिया था। इसके बाद भी दोस्तों दो तीन कमेटीज़ और बनी थी, उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इस तरह से कुछ बात की थी, फिर उसके बाद फाइनली उन लोगों ने भी CDS की बात की। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। तो लेकिन अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इतना टाइम और पेज नहीं होता है कि आप इतना पूरा कहानी लिख के आएंगे बैकग्राउंड में, वैसे भी बैकग्राउंड इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, अगर आप एक दो लाइन लिख देते हैं तो पर्याप्त होता है। तो बैकग्राउंड में आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि ये कारगिल कमेटी थी 1999 की जो पहली बार इस चीज़ को CDS को रिकमेंड की थी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि ऐसे जो पोस्ट हैं, जो CDS का पोस्ट है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। सबसे पहली बात ये कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो कि एडवांस मिलिट्री रखते हैं उनके पास ऐसा पोस्ट है, चाहे आप अमेरिका को ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, तो यहाँ पे अमेरिका को एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं। उसके बाद इंडिया हैज़ विटनेस्ड मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटर सर्विसेज रिलेशंस। दोस्तों इंडिया में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे तीनों सर्विसेज में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी लेकिन वो कोऑर्डिनेशन मिल नहीं पाया, कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाया, जिसकी वजह से जो भी हमारा ऑपरेशन रहा, जो भी हमारा वार रहा, जो भी हमारा युद्ध रहा, वो क्या हुआ, एडवर्सली इम्पैक्ट हुआ। उसके साथ साथ दोस्तों जो अभी इसकी बात मैं कर रहा था, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाई गई है वो जो है इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। इसके लिए भी ज़रूरत है कि CDS एक सिंगल पॉइंट एडवाइजर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेज करंटली हैव 17 कमांड्स बट नन ऑफ दीज आर कलेक्टेड एज अ सेम स्टेशन। ठीक है दोस्तों, मतलब कि हमारे पास लगभग 17 कमांड सेंटर्स हैं लेकिन इसमें से कोई भी कमांड सेंटर ऐसा नहीं है जो इंटीग्रेटेड मैनर में काम कर सके, एक जगह पे वो कलेक्टिवली होकर के काम कर सके। तो इसके लिए क्या होगा कि CDS जो होगा वो एक थिएटर कमांड प्रोवाइड करवाएगा। दोस्तों ये एक वर्ड है, इसको आप अपने आंसर में ज़रूर यूज कीजिएगा, मैं बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब, आप समझ लीजिए इसको, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगेगी जब आप समझे रहेंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। थिएटर कमांड इन द सेंस कि ये एक ऐसा थिएटर होगा, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होंगी, मतलब तीनों सर्विसेज के जो भी मैन पावर हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी वेपन्स है, जो भी अधिकारी हैं, सारे लोगों को एक जगह अगर ले आके हम रखें तो उसको हम एक थिएटर कमांड बोलते हैं। मतलब एक जगह पे इकट्ठा करके काम करने का, जो इंटीग्रेटेड मैनर में काम करने का तरीका होता है उसको हम थिएटर कमांड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो CDS होगा वो सारे कमांड्स को एक थिएटर कमांड के रूप में डेवलप करेगा। ठीक है, उसके बाद थिएटर कमांड जो होगा ये क्या होगा कि कास्ट इफेक्टिव होगा, ठीक है, रिसोर्सेज को भी बचाएगा और प्रिपेयर फोर्सेज फॉर द इंटीग्रेटेड लैंड एयर सी ऑपरेशंस। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि थिएटर कमांड क्या होता है, तीनों सर्विसेज को एक जगह इकट्ठा करके उनके सारे रिसोर्सेज, मैन पावर्स, वेपन, सबको एक जगह इकट्ठा करके काम करने का जो तरीका होता है उसको हम थिएटर कमांड बोलते हैं। और यही ये जो थिएटर कमांड होता है ये कास्ट इफेक्टिव होता है। ऑब्वियसली आपके पास जब सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड मैनर में होंगी, एक जगह पे अवेलेबल होंगी, तो वो कास्ट इफेक्टिव भी होगा, रिसोर्सेज को भी बचाएगा, टाइम को भी बचाएगा और जो हमारा फोर्स है उनको अच्छा जो है अच्छा स्पेस प्रोवाइड करवाएगा काम करने के लिए। उसके बाद यूनिफाइड कमांड नीडेड फॉर द नीडेड टू हैंडल स्पेस, साइबर स्पेस, ठीक है दोस्तों, और स्पेशल ऑपरेशंस। तो जो हमारा यूनिफाइड कमांड है
देखिए दोस्तों, साइबर स्पेस और स्पेस का जो मुद्दा होता है ना, इसमें जब तक आप इंटीग्रेटेड मैनर में काम नहीं करेंगे, तब तक ये अच्छी तरह से काम आप इसमें इस क्षेत्र में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होते हैं। इधर कुछ इंफॉर्मेशन सर्टेन के पास है, कुछ इंफॉर्मेशन जो मिलिट्री सेटेलाइट्स के बेस जो भी इंफॉर्मेशन लिया जाता है कुछ उनके पास है, कुछ सिविलियन सेटेलाइट्स के पास है। तो जो रिसोर्सेज है हमारे पास, जो इंफॉर्मेशन रिसोर्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। तो उनको कनेक्ट करने के लिए, एक साथ ले आने के लिए हमको क्या है कि एक इंटीग्रेटेड या यूनिफाइड कमांड की ज़रूरत होती है, और CDS इसको प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद देयर आर ओनली टू ज्वाइंट कमांड्स। अभी तक इंडिया में केवल दो ज्वाइंट कमांड्स हैं, फार अंडमान एंड निकोबार कमांड थिएटर, ठीक है दोस्तों, एंड स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड टू हैंडल न्यूक्लियर पावर। अभी तक दो ही कमांड हैं कि जो न्यूक्लियर पावर को हैंडल करते हैं, एक अंडमान निकोबार वाला है और दूसरा एक स्ट्रेटजिक है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए भी हमको CDS की ज़रूरत है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इतना पॉइंट्स आपके पास बहुत ही पर्याप्त है आंसर लिखने के लिए। बस हाँ, ये केवल आप ना एक आसान भाषा में इसको समझ लीजिए कि इसकी ज़रूरत इसलिए है। पहला कारण कि बहुत सारी एडवांस मिलिट्री हैं वर्ल्ड में जिनके पास ऐसा है, ऐसी व्यवस्था है, ये पोस्ट हैं। दूसरा कि ये एक इंटीग्रेटेड और थिएटर कमांड देगा किसको, ऑपरेशंस को करने के लिए और इक्विपमेंट्स को मैनेज करने के लिए, रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, ठीक है दोस्तों, ये दूसरा। तीसरा ये कि जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी इसके लिए। और दूसरी बात, न्यूक्लियर डेवलपमेंट और न्यूक्लियर ऑपरेशंस को भी एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड मैनर में काम करने के लिए भी CDS हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों जो साइबर स्पेस है, साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सॉवरेनिटी है, इस सब चीज़ों को भी सॉल्व करने के लिए ये पोस्ट हेल्प करेगा। तो आपके पास चार पांच पॉइंट हैं, इतना पर्याप्त है। आपको अगर 12 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो 5-6 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उतना पर्याप्त है आपका सिलेक्शन होने में, ठीक है, OBSDM के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो वे फॉरवर्ड है, जस्ट अ मिनट, ये नीड हो गया। अब इसका जो वे फॉरवर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहली चीज़ ये दोस्तों कि CDS का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव करती है, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है कहाँ पे, मिलिट्री में। तो अगर मिलिट्री में जब भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, तो अब सपोज दैट कि कोई मिलिट्री पर्सनल है और उसका पॉलिटिकल एफिलिएशन है, तो वो अपनी बातों को पॉलिटिकली भी रखने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो मिलिट्री है उसका भी पॉलिटिसाइजेशन होगा। तो इस चीज़ से बचना है हमको। और इसका बैड इम्पैक्ट क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं कि ISI, पाकिस्तान का ISI या वहाँ का जो मिलिट्री है वो किस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता है और वहाँ की दशा क्या है। तो सबसे पहले हमको उस चीज़ से बचना होगा। उसके साथ साथ CDS शुड बी एम्पावर्ड टू एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। एक ब्रिज की तरह काम करना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ना कि कोई उसमें पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी हो रही है, पॉलिटिकल कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें इनको बाधा नहीं बनना चाहिए, इनको ब्रिज के रूप में कार्य करना चाहिए। उसके बाद जैसा कि हमने बताया, पोस्ट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज। फिर उसके बाद द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डिलिनिएशन फ्रॉम द मिलिट्री अफेयर शुड बी अडहेयर्ड। मतलब ये कि हमारे पास, हमारे यहाँ एक थ्योरी है कि जो भी मिलिट्री अफेयर्स हैं उसको हम पॉलिटिकल अफेयर से अलग रखेंगे, तो बेहतर यही होगा कि हम इस थ्योरी को बरकरार रखें, ठीक है। तो ये CDS के बारे में आप इतनी सारी चीज़ें याद रखिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुझे लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, करंट अफेयर्स वैसे भी इंटरेस्टिंग होता है, तो अभी इसको थोड़ा सा मैं और इंटरेस्टिंग ढंग से आपको बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग हमसे बात कर रहे हैं कि उनको केस स्टडी में कुछ गाइडेंस चाहिए, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसमें दोस्तों अभी करंट अफेयर का हमारा जब सीरीज ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम हम ले करके एक दिन, चाहे लाइव सेशन ले करके डायरेक्ट आपसे बात करके मैं कुछ गाइड कर दूंगा, और या फिर कोई एक वीडियो भी बना के मैं डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि केस स्टडी को लेकर के आपको थोड़ा बहुत गाइड करने की ज़रूरत है, गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर जरूर अपना जो है, जो भी हमारे पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, स्किल है, वो चीज़ें हम आपको उदाहरण के रूप में, उदाहरण को लेकर के मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए। अब जो है आगे बढ़ते हैं कि एक मुद्दा है ये मॉब लिंचिंग का। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि पालघर इंसिडेंट आपने सुना होगा वो है, और उसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो मॉब लिंचिंग को लेकर के एंटी मॉब लिंचिंग लॉ बनाए हैं, जैसे उसमें राजस्थान है, मणिपुर है, वेस्ट बंगाल है। तो इस दो कारणों से ये न्यूज़ में रहा है, तो इसलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उत्तर प्रदेश को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो खासकर, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मॉब लिंचिंग क्या होता है। आसान भाषा में समझिए कि भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करना या किलिंग करना या इंजर्ड करना, क्योंकि कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव को लेकर के, कुछ रिलीजियस ऑब्जेक्टिव को लेकर के अगर आप जो है किसी मॉब के द्वारा, किसी भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है कुछ प्रोपोगंडा की वजह से, तो उसको हम मॉब लिंचिंग बोलते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। लिंचिंग इज अ प्री मेडिएटेड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का मतलब होता है कि जो ऐसी किलिंग्स जिसकी अनुमति हमारी जुडिशियरी नहीं देती है, जिसकी अनुमति हमारा लॉ नहीं देता है, ऐसी किलिंग्स को हम मॉब लिंचिंग बोलते हैं बाई ए ग्रुप। ठीक है दोस्तों, आसान भाषा में अगर आप छोटा सा एक डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप इसमें पढ़ लीजिएगा, अगर आपको समझ में आए तो आप लिखिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपना डायरेक्शन दिया है, जो भी डायरेक्टिव्स है, वो क्या क्या है। तो ये एक तहसीन पूना वाला केस था 2018 का, उसमें उसी केस में इन्होंने डायरेक्शन दिया है, डायरेक्टिव्स दिया है। तो दोस्तों यही चीज़ मैं बात कर रहा था कि अगर आपको पूरा याद नहीं आ रहा है कि यार कौन सा केस था, 18 का था, 17 का था, तो आप अगर इतना पूना वाला याद आ रहा है उतना लिख दीजिए, तहसीन याद आ रहा है आप उतना लिख दीजिए, तो ये पर्याप्त है। अब देख लेते हैं कि इसमें जो डायरेक्टिव्स है वो क्या क्या है। सबसे पहला, द स्टेट गवर्नमेंट शैल डेजिग्नेट अ सीनियर पुलिस ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग को डेडिकेटेड एक ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट करने की बात ये डायरेक्टिव कह रहा है। उसके बाद, एडमिनिस्ट्रेशन सेल इमीडिएटली आइडेंटिफाई डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेजेस वेयर मॉब लिंचिंग हैव अकर्ड रिसेंटली। कोई भी ऐसा प्लेस है जहाँ पे भी अभी रिसेंट में मॉब लिंचिंग हुई है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू डिस्पर्स मॉब विच इन हिज ओपिनियन। आसान भाषा में कि अगर कोई भी पुलिस एक सिपाही भी है, अगर कहीं पे जा रहा है, कहीं पे देख रहा है कि यहाँ पे मॉब लिंचिंग टाइप का कुछ हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी वो कोशिश करे कि उस मॉब को डिस्पर्स कर दे, बिखेर दे, हटा दे, इसको धर दर कर दे। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने में फेल हो गया है। इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ डिलीबरेट नेग्लिजेंस, मतलब जानबूझकर अवॉइड करना माना जाएगा अगर कोई पुलिस अपना ड्यूटी करने में फेल होता है तो। उसके बाद, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेड ब्रॉडकास्ट दैट द मॉब लिंचिंग सेल इनवाइट सीरियस कंसिक्वेंसेज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लोगों को ये बताए कि अगर आप मॉब लिंचिंग करते हैं तो उसका जो परिणाम होगा वो भयानक हो सकता है, मतलब आपके ऊपर सजा हो सकती है, पेनाल्टीज लगाई जा सकती हैं, तमाम चीज़ें। फिर उसके बाद, कर्ब एंड स्टॉप द डिसमिनेशन ऑफ इररिस्पॉन्सिबल एंड एक्सप्लोसिव मैसेजेस, वीडियोज एक्सेट्रा। सिंपल सी बात कि कोई भी र्यूमर्स आप उड़ने से रोकिए। फिर उसके बाद, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक लिंचिंग कंपनसेशन स्कीम लॉन्च करना चाहिए जिसकी वजह से जिस भी व्यक्ति के ऊपर लिंचिंग हुई है, जिसकी भी मॉब लिंचिंग हुई है, उसको कंपनसेट किया जा सके। उसके बाद, केसेज ऑफ मॉब लिंचिंग स्पेशल ट्रायल कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में, इस सारे डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा जिसमें उसकी सुनवाई की जाएगी और 6 महीने के अंदर उस पर डिसीजन आना श्योर है। आसान भाषा में क्या क्या डायरेक्टिव्स हैं, पहला कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डेडिकेटेड आप डेजिग्नेट करिए ऑफिसर को। उसके बाद, अगर रिसेंटली कहीं पे भी मॉब लिंचिंग होती है तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर कहीं पे भी अगर मॉब को देखता है, इस तरह की घटनाओं को देखता है, तो उसको तुरंत डिस्पर्स करने की कोशिश करें। उसके साथ साथ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये लोगों को बताए कि अगर आप मॉब लिंचिंग करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो भयानक हो सकता है। उसके साथ साथ, गवर्नमेंट को ये कोशिश करना चाहिए कि सोशल मीडिया या मीडिया के थ्रू इररिस्पॉन्सिबल या र्यूमर्स जो उठ रहे हैं उनको रोके। उसके बाद, स्टेट गवर्नमेंट एक एंटी मॉब लिंचिंग या लिंचिंग कंपनसेशन स्कीम बनाएगी और जिसके तहत वो कंपनसेट करेगी, और उसके साथ साथ जो भी ट्रायल होगा, जो भी केस होगा, वो फास्ट ट्रैक या स्पेशल कोर्ट में होगा और उसका डिसीजन 6 महीने में
आना चाहिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डायरेक्टिव्स है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी 2019 to 2029। ये इस तरह का एक क्वेश्चन पिछली बार पूछ चुका है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, हो सकता है पूछ ले तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत ही छोटा एक ही स्लाइड है इसमें। तो ये ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, 10 साल का ये स्ट्रेटजी है, जल शक्ति मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेदार है, उसके अंडर में ये काम हो रहा है। और इसके जो की पॉइंट्स हैं, इट लेज डाउन अ फ्रेमवर्क फॉर द ODF प्लस स्टेट्स, ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस स्टेट्स, वेयर एवरी वन यूजेज टॉयलेट एंड एवरी विलेज हैज एक्सेस टू, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सॉरी लिख दिया गया है, ये एक्चुअली सॉयल है, सॉयल एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सारे विलेजेस को क्या करना है कि आइडेंटिफाई करके और उनको एक फ्रेमवर्क के तहत उनको डेवलप करना है ODF प्लस फ्री में, ठीक है। और उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करना है कि सारे लोगों को वहाँ पे सॉयल एंड सॉलिड एंड लिक्विड जो भी मैनेजमेंट है वो किया जा सके। उसके बाद लोगों के बिहेवियरल चेंज किया जाएगा, ये हमने देखा था कि लोगों का बिहेवियर चेंज करो, एटीट्यूड चेंज करो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड और वेस्ट, सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ को यूज करें, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजी स्पीक्स अबाउट द पोटेंशियल कोलेबरेशंस विद द डेवलपमेंट पार्टनर्स लाइक सिविल सोसाइटीज, इंटर गवर्नमेंट पार्टनरशिप, ठीक है दोस्तों। मतलब ये कि इस स्ट्रेटजी में ये बात की गई है कि जो हमारे पोटेंशियल कोलेबरेशंस है, जैसे SHGs हो गया, सिविल सोसाइटीज़ हो गई, पंचायत हो गया, और इंटर गवर्नमेंटल मतलब ब्लॉक लेवल पे और तहसील लेवल पे, ठीक है, विलेज लेवल पे, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के काम किया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, इट हाईलाइट्स द इनोवेटिव मॉडल्स ऑफ सैनिटेशन फाइनेंसिंग। इनोवेशन मॉडल्स का मतलब ये हुआ कि तरह तरह की चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई बॉन्ड निकाल दिए, या फिर कोई प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं और उनको उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं, या सिविल सोसाइटीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके बदले में उनको कुछ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कुछ असिस्टेंस दे रहे हैं, तो इस तरह के इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल भी ये सैनिटेशन स्ट्रेटजी बात करता है। तो इससे क्या होगा कि जो रूरल एरिया है उसमें क्या होगा, स्वच्छता आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इस तरह का एक क्वेश्चन पिछली बार पूछ लिया था और बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं लिख पाए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि आपका ना छूटने पाए, तो इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दोस्तों देखिए, ये जो टॉपिक है ये करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में तो नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल, अगर आप पॉलिटिक के या गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार इसका मिसयूज़ भी हुआ है कोर्ट के द्वारा, कई बार इसको अच्छे तरीके से लागू भी नहीं किया गया है। तो देख लेते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है, ये भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अगर पूछेगा तो सीधा सीधा पूछेगा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड इशूज़ क्या है। तो इशूज़ में आप मिसयूज़ अभी बताते हैं, वो सब क्या क्या लिख सकते हैं और वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसको कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है, पहला सेंटेंस जो आपका होगा यही होना चाहिए। दूसरा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है उसमें ये डिफाइन किया गया है, तो ये दो सेंटेंस आप जरूर लिखिएगा किसी भी तरह से, तो जो पहला लाइन होगा उसी से ही इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि आप किस दिशा में जाने वाले हैं। और दोस्तों कई बार जो है ना यही डिफाइन कर देता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा बन जाता है कि उस क्वेश्चन पे, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको कितने नंबर देने हैं, कैसे नंबर देने हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, उसमें ये डिफाइन किया गया है। और उस एक्ट के अकॉर्डिंग कंटेम्प्ट रेफर्स टू द ऑफेंसेज ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। आसान भाषा में कोर्ट की बात को न मानना ही कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। अगर कोर्ट कोई बात कह रहा है और कोई व्यक्ति या इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन उस बात को नहीं मान रहा है तो उसको हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। द एक्ट डिफाइंस द पावर ऑफ कोर्ट टू पनिश फॉर दियर कंटेम्प्ट एंड रेगुलेट्स दियर प्रोसीजर्स। मतलब ये कि कोर्ट की बात को अगर नहीं मानेंगे, उसके आर्डर, रिट और जजमेंट को नहीं मानेंगे, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि आपको पनिश कर सके। किस एक्ट के तहत? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत। दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं दोस्तों, एक होता है सिविल, दूसरा होता है क्रिमिनल। तो ये दोनों क्या क्या होते हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो सिविल कंटेम्प्ट होता है, सिविल कंटेम्प्ट का मतलब ये कि मान लीजिए कोई जजमेंट आया कोर्ट का, या कोई डायरेक्शन आया, कोई डिक्री आई, या कोई रिट आया, कोई आर्डर आया,
और कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन बिलफुली उसको ब्रीच करता है, मतलब जानबूझकर उसको तोड़ता है, तो ये क्या होगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और कैसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा? सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसमें क्या है, स्कैंडलाइज कर रहा है कोर्ट को, मतलब उदाहरण के रूप में आप ये समझिए कि कोर्ट में किसी की हेयरिंग है, कोई व्यक्ति की सुनवाई होनी है और आप गोली बंदूक लेके पहुंच गए, उस व्यक्ति को क्या कर दिए, उड़ा दिए, या फिर कोई जज है आप उसी को उड़ा दिए, ठीक है। तो प्रोसीजर में और जो हमारा जुडिशरी उसके सेटअप को ही पूरा स्कैंडलाइज करना ही जो होता है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, ठीक है। इसमें देखिए लिखा है ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसके प्रोसीजर में आप कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसको क्या माना जाएगा, ये क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा। हाउएवर, अब इन दोनों के अलावा, हालांकि अगर आप कोई इनोसेंट पब्लिकेशन कर रहे हैं, या फिर कोई मैटर ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर कोई फेयर या रीजनेबल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जुडिशियल एक्ट का, तो ये कंटेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे आप कोई सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट को ऐसे काम करना चाहिए, या फिर इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट को इस तरह से बात करना चाहिए, तो अगर आप इनोसेंटली कोई चीज़ कह रहे हैं तो ये क्या है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। अब इसमें इशूज क्या हैं, सबसे पहला इशूज यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब इसको डिसाइड कौन करेगा कि आपका जो भी आप चीज़ें बोल रहे हैं, जो भी चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इनोसेंट है, वो फेयर क्रिटिसिज्म, इसको डिफाइन कौन करेगा भाई, कोर्ट ही तो डिफाइन करेगा ना। अगर कोर्ट ये कह दिए कि नहीं ये फेयर नहीं है, ये जो है इनोसेंट नहीं है, ये कोर्ट के लिए कंटेम्प्ट है, तो आपका क्या होगा कि जो सिविल राइट्स हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का, वो क्या होगा, वायलेट होगा। उसके बाद कभी कभी आर्बिट्रेरी एक्शन कुड बी टेकन बाय द कोर्ट, कभी कभी आर्बिट्रेरी एक्शन भी कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि पहली बात तो आप अपना पॉजिटिव कोनोटेशन के साथ इसको कंक्लूड कीजिए, जैसे ये कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इज़ द नेसेसरी फॉर द प्रॉपर जुडिशियल एक्टिविटीज एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। जुडिशियल फंक्शन करने के लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जरूरी है, अदरवाइज जो भी पीपल है, जो भी लोग हैं, वो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट के कार्य करने का जो शैली है, उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो आप कभी भी ऐसा मत लिखिएगा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे। आप केवल इतना लिखेंगे कि हाँ, जो कोर्ट है उसको इस पावर का जुडिशियस यूज करना चाहिए, ऐसा इस तरह से यूज करना चाहिए कि जो सिविल राइट्स और लिबर्टीज हैं लोगों की, वो वायलेट ना हो, लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच वायलेट ना हो, ये सब चीज़ें ध्यान में रख करके कोर्ट को इसको यूज करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आपका वे फॉरवर्ड हो जाएगा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर ली। कोर्ट से ही रिलेटेड एक टॉपिक और है दोस्तों, अभी आगे उसको हम देखेंगे, तो यहाँ से उसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बीच में देखिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा आ गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था 2018 के मेंस के एग्जाम में, तो पता नहीं है, हो सकता है कि रिपीट भी कर दे, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लिया है। आप इसको फटाफट जल्दी जल्दी देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले इसके की प्रोविजंस कुछ देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें इशूज क्या है, ठीक है। तो ये फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, ये एक एक्ट के थ्रू, फाइनेंस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब फाइनेंस एक्ट ये ऐसा एक्ट था कि इसमें राज्यसभा का उतना ज़्यादा रोल नहीं हो पाया, लोकसभा के अकॉर्डिंग ही इसमें काम हुआ दोस्तों। एक्चुअली आसान भाषा में समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, तो ये एक प्रोमिसरी बियरर नोट है, एक तरह से आप समझिए कि आपके हाथ में एक करेंसी है। बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जिसके हाथ में है, जिसके पास है, वो उसके लिए लायबल है, वो उसको उसके इक्विवेलेंट अमाउंट पाने के लिए उत्तरदायी है, मतलब उत्तरदायी इन द सेंस नहीं, मतलब कि वो उसके लिए क्या कह सकते हैं आपकी, उसको देना जरूरी है, वो उतना पाएगा, उसका राइट है कि अगर उसके पास उतना अमाउंट का कोई बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो वो उसको पाएगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी एकदम बियरर इंस्ट्रूमेंट ही है, जस्ट लाइक अ नोट, अगर जिसके पास है वो उस अमाउंट में पैसा उतना पाएगा। सिंपल सी बात ये है। अगर इसका डेफिनेशन आपको देखना है या कुछ इस तरह से पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड आर बियरर इंस्ट्रूमेंट लाइक प्रॉमिसरी नोट्स। प्रॉमिसरी नोट्स क्या होता है दोस्तों, इकोनॉमिक्स वाले अच्छी तरह से जानते हैं, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेरा भी हाथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये मेरा शॉर्ट फॉल है, इसलिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक मैं कोई भी अपने चैनल पे नहीं पढ़ाता हूँ, उसके लिए दूसरे लोग पढ़ाते हैं।
उसके बाद सिमिलर टू द बैंक नोट इज पेएबल टू द बियरर ऑन डिमांड, जिसके पास भी है जब भी वो डिमांड करेगा उसको मिलेगा। लेकिन हाँ, ये क्या है, ये फ्री ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कि आपके पास नोट है वो भी फ्री ऑफ इंटरेस्ट है, उसी तरह से बियरर इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रोनल बॉन्ड है वो भी इंटरेस्ट फ्री है, इस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, द बॉन्ड कैन बी परचेज बाई इंडियन सिटीजन आर ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन द कंट्री। इस सेंटेंस को याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ही एक इशू है। ठीक है, यहाँ पे ही एक इशू है। इंडियन सिटीजन है अगर वो खरीद रहा है तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन आगे जोड़ा गया है कि कोई भी इंडियन सिटीजन आर ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन द कंट्री कैन परचेज दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद द बॉन्ड विल नॉट बियर द नेम ऑफ डोनर, जो भी उस बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा है उसका नाम नहीं होगा, लेकिन जो बायर्स है उसको केवाईसी के सारे डिटेल्स देने होंगे और ये डिटेल्स सारे बैंक्स के पास होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं जाएंगी। उसके बाद वन कैन परचेज बॉन्ड बाई बॉन्ड ऑफ वेरियस डोमिनेशंस फ्रॉम डेजिग्नेटेड बैंक। एक कोई डेजिग्नेटेड बैंक होगा और वेरियस डिनोमिनेशंस में वो खरीद सकता है, 500 का, 1000 का, 10000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, तो वेरियस डिनोमिनेशंस में वो खरीद सकता है। लेकिन कहाँ से, एक पर्टिकुलर बैंक डेजिग्नेट किया जाएगा, उसी बैंक से वो खरीद सकता है, सारे बैंक्स अलाउड नहीं होंगे। और वो कब खरीद सकता है, विद इन अ 10-day विंडो इन एवरी क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हर 3 महीने पे, 3 महीने पे जो जब भी विंडो ओपन होगा तो उसके 10 दिन के अंदर में वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है। द परचेज ऑफ दीज बॉन्ड्स नीड टू प्रेजेंट दीज टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसको 15 दिन के अंदर रिडीम कर सकती है। ये कुछ प्रोविजंस हैं, आप एकदम आसान भाषा में इसको समझ लीजिए, इसको लिख दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कितनी बार कह रहा हूँ, जितना भी आपको समझ में आ रहा है, जितना भी आपको याद आ रहा है वो सब लिख दीजिए इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप आसान भाषा में केवल इतना ही समझिए कि एक प्रोमिसरी नोट का टाइप का है, जो भी कि इंटरेस्ट फ्री है, कोई भी इंडियन सिटीजन या इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है इंडिया में तो वो खरीद सकती है, और बायर्स को केवाईसी के सारे डिटेल देने होंगे। ठीक है, ये कहीं भी किसी भी डिनोमिनेशन में खरीदा जा सकता है 10-day विंडो में, और 15 दिन के अंदर पोलिटिकल पार्टी इसको रिडीम कर सकती हैं। इतना नॉलेज, इतना जानकारी इसके बारे में आपके पास पर्याप्त है। उसके बाद एवरी रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टी दैट हैज सिक्योर्ड 1% ऑफ द वोट पोल्ड इन द मोस्ट रिसेंट लोकसभा और स्टेट इलेक्शन विल बी अलॉटेड वेरीफाइड अकाउंट बाई द इलेक्शन कमीशन, और इसी अकाउंट के ही थ्रू वो पोलिटिकल जो इलेक्टोरल बॉन्ड होगा उससे पैसा गेन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1% वैलिड वोट आपको प्राप्त करना जरूरी है अगर आप कोई पोलिटिकल पार्टी हैं। उसके साथ साथ आपको एक अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट मिलेगा जो कि इलेक्शन कमीशन आपको प्रोवाइड करवाएगा, और इसी अकाउंट के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ट्रांजेक्शन कैन बी मेड ओनली बाय दिस अकाउंट, इसको हमने बता दिया। ए डोनर विल गेट अ डिडक्शन, आसान भाषा में समझिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनको टैक्स एग्जेम्पशंस दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं ये देख लीजिए। नो कैश इन द पॉलिटिकल पार्टीज इनफ्लो, तो इसमें ब्लैक मनी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज में वो थोड़ा सा कम होगा, क्रिमिनलाइजेशन कम हो सकता है। जो डोनर है वो एनोनिमस है, मतलब कि उसकी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है, तो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होता है वो नहीं होगा। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि सपोज दैट कि अगर कांग्रेस पार्टी को पता है कि जियो कंपनी के मालिक अंबानी जी ने क्या किया है कि बीजेपी को डोनेट किया है पैसा, तो जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो वो क्या करेगी, जो भी अंबानी के प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी अंबानी का कार्य होगा उसमें क्या होगा, उतना अच्छे से वो नहीं करेगी। इसको हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बोलते हैं। ये तो हमने एक बड़े लेवल पे उदाहरण के रूप में समझाया है दोस्तों, इसको दिल पे मत लीजिएगा कोई कि जियो का सच में बीजेपी के साथ एफिलिएशन है, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होता है आपको समझाना। ठीक है, उसके बाद KYC डिटेल्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन द बैंकिंग चैनल। हर जो भी डोनर है उसका जो KYC डिटेल है वो क्या होगा, बैंक के पास रहेगा। ये इसके कुछ मेरिट्स हैं, मतलब ये कि ब्लैक मनी को ख़त्म करने का उद्देश्य है, मेन उद्देश्य यही है कि ब्लैक मनी का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उसको कम करना, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको कम करना। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन उद्देश्य था जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का गवर्नमेंट का। अब इसमें देखते हैं कि जो इशूज़ हैं वो क्या क्या हैं। RBI के हिसाब से इशू क्या है, RBI के हिसाब से ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है
और ये एक ओपेक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि जो ओनर्स है उसको ट्रेस करने का कोई इसमें रास्ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ओनर का जो डिटेल है वो तो केवल बैंक के पास है, वो किसी को देगा नहीं। चूँकि ये BRN इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पे RBI का अधिकार होता है, RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसके ओनर को ट्रेस करे, लेकिन RBI कहती है कि हमको तुमको तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम में थोड़ा बहुत इनस्टेबिलिटी आ सकती है इस इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से। ठीक है, और उसके साथ साथ RBI ये भी कहती है कि अगर किसी के पास ये साइजेबल अमाउंट में है तो ये करेंसी भी जनरेट करवा सकता है किसी से भी। ठीक है, ये तो RBI का ऑब्जेक्शन हो गया कि हम ओनर को कैसे ट्रेस करें या फिर हम कितना अमाउंट कहाँ जा रहा है इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है दोस्तों, ये एक RBI का इशू। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इट हेल्प्स ब्रिंग इलीगल डोनेशंस फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज। मैंने कहा था दोस्तों कि जो एक पॉइंट था वहाँ पे कि इन बॉडीज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडिया कैन परचेज द इलेक्टोरल बॉन्ड, वहाँ से क्या हो सकता है कि फॉरेन इलीगल सोर्सेज के थ्रू पैसा इंडिया में आ सकता है। कैसे? सेल कंपनीज बनाई जा सकती हैं, सेल कंपनीज के थ्रू डोनेशन आएगा, और ये जो सेल कंपनीज होती हैं दोस्तों ये होती हैं ब्लैक मनी और पॉलिटिकल मोटिवेटेड। सेल कंपनीज जो होती हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते होंगे, सुने होंगे, लेकिन सेल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कंपनीज केवल कागज़ पे होती हैं, उस पर काम कुछ नहीं होता है, उसमें केवल दिखाया जाता है कि इतना हमने इन्वेस्ट किया है, इतना हमको प्रॉफिट हुआ है, इतना प्रोडक्शन हुआ है, ये सब सारी चीज़ें कागज़ पे ही होती हैं, एक्चुअल ग्राउंड पे कोई कंपनी होती ही नहीं है। ऐसी कंपनीज को हम सेल कंपनीज बोलते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि 1% वोट आपको लेना है, ये क्वेश्चनेबल है। क्यों सारे पार्टीज़ को अलाउड नहीं किया जा रहा है, स्मॉल पार्टीज़ को क्यों नहीं पैसा मिलेगा, ये एक सवाल है इलेक्शन कमीशन का कि इसको जो है सारी पार्टीज़ के लिए क्यों नहीं खोला गया है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि ओपन्स फ्लड गेट फॉर द कॉर्पोरेट डोनेशंस, जैसा कि हमने एग्जांपल के रूप में लेकर के समझाया, सिंस देयर इज नो सीलिंग कैप, कोई सीलिंग नहीं है कि आप जो है 1 रुपये का खरीद रहे हैं, सॉरी 1 रुपया तो नहीं है मतलब आप 1,000 का खरीद रहे हैं कि 1 करोड़ का खरीद रहे हैं, कोई इस पे सीलिंग कैप नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट डोनेशंस का फ्लड गेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट डोनेशंस आएगा, और जब भी ज़्यादा कॉर्पोरेट डोनेशंस आएगा तो क्या होगा, ये पॉलिटिकल प्रेशर्स भी एग्जर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, तो जो है इस चीज़ से बचना है। उसके बाद ऑर्डिनरी सिटीजन को तो पता ही नहीं कि कौन कितना पैसा किस पार्टी को दिया है, तो ऐसे में जो देखिए हम कॉमन पीपल जो होते हैं वो भीड़ के साथ जाते हैं, मतलब अगर उनको इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन कितना व्यक्ति किस पार्टी को पैसा दे रहा है, उसी हिसाब से वो अपना वोटिंग बिहेवियर चेंज करते हैं। ठीक है, तो लेकिन कॉमन पीपल को तो पता ही नहीं है कि कौन कितना पैसा किस पार्टी को दे रहा है। उसके बाद सिस्टम इज कम्प्लीटली ओपेक एंड एनोनिमस, मतलब ये कि पूरी तरह से अपारदर्शी है, ये सिस्टम पूरी तरह से अपारदर्शी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं। तो ये सब सारे इशूज हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। उसके बाद दोस्तों हमने बताया था कि एक जुडिशियरी से लेकर के एक टॉपिक और है, ये है रिव्यू पिटीशन का। दोस्तों रिव्यू पिटीशन को रखने का यहाँ पे 2 कारण है, एक ये कि जो निर्भया वाला केस था उसमें रिव्यू पिटीशन हुआ था, कई बार हुआ था, तो और उसके बाद जो सबरीमाला केस है उसमें भी रिव्यू पिटीशन डाला गया है, तो ये था। और दूसरा ये कि मुझसे इंटरव्यू में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रिव्यू पिटीशन क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आयोग में इसका महत्व है, हो सकता है इसको कमेंट्स में भी पूछ ले। तो अभी यहाँ पे हमने इसलिए इसको यहाँ पे लिया है क्योंकि ये सबरीमाला केस को वापस से रिव्यू पिटीशन के थ्रू गवर्नमेंट सुनने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रही है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। अब थोड़ा सा रिव्यू पिटीशन के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है कि अगर कोई उसका जजमेंट या आर्डर मान लीजिए कोई इनकरेक्ट है, कोई एरर है उसमें, तो वो क्या कर सकता है, रिव्यू पिटीशन कर सकता है। लेकिन ऐसा एरर पोटेंट एरर होना चाहिए, मतलब बड़ा एरर होना चाहिए, कोई मतलब इनकन्सिक्वेंट मिस्टेक के लिए नहीं, कोई माइनर मिस्टेक के लिए नहीं, अगर कोई बड़ा मिस्टेक है तो आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है कि वो अपने जजमेंट और आर्डर को रिव्यू करे, फिर से सुने। ठीक है, रिव्यू मीन्स द कोर्ट इज अलाउड नॉट टू टेक अ फ्रेश स्टॉक ऑफ द केस, बट टू करेक्ट ग्रेव एरर दैट गेव रिजल्टेड इन द मिसकैरियज ऑफ द जस्टिस। कोई नया केस नहीं शुरू किया जाएगा, उसी केस को वापस से शुरू किया जाएगा अगर कोई इनजस्टिस हुआ है, अगर जस्टिस का मिसकैरियज हुआ है ऐसा कोर्ट को लगता है, तो रिव्यू पिटीशन के थ्रू वो फिर से उसको सुनेगा, फिर से उसकी सुनवाई करेगा। एज पर द CPC एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स,
एनी पर्सन एग्रीव्ड, मतलब ये कि अगर कोई ऑर्डर या जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें जो रिव्यू पिटीशन होता है उसको फाइल करने का अधिकार किसको है। उसमें देखिए कोई केस होता है तो उसमें दो पार्टी होती है, तो रिव्यू पिटीशन का मतलब ये नहीं होता कि केवल उन्हीं दो पार्टीज में से कोई जाकर के रिव्यू पिटीशन करेगा। रिव्यू पिटीशन कोई भी कर सकता है जिसके ऊपर उस जजमेंट का इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। कोई भी अगर एग्रीव्ड पर्सन है तो वो जाके रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है, ना कि केवल जो उसमें पार्टीज इन्वॉल्व हैं वही। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ए रिव्यू पिटीशन हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन द 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ जजमेंट, मतलब जजमेंट जब आएगा तो उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, आपको रिव्यू पिटीशन के लिए फाइल कर देना है। हाँ, इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं, कुछ अगर सर्टेन केसेस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है, अगर कुछ सर्टेन केसेस हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकता है, ये 30 दिन को बढ़ा भी सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं कि रिव्यू पिटीशन दायर किया जा सकता है। इसमें 3 ग्राउंड्स होते हैं। पहला ये कि डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर आर एविडेंस, कोई ऐसा नया मुद्दा उठ के आता है या कोई नया एविडेंस मिल जाता है तो आप रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं, या फिर कोई मिस्टेक है या फिर एरर है और जिसका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट है रिकॉर्ड पे और लोगों के ऊपर, उसके साथ एनी सफिशियंट रीजन दैट इज एनालॉगस टू द अदर 2 रीजन्स, कोई भी ऐसा रीजन जो ऊपर 2 रीजन से मिलता जुलता है, तो उसमें जो है आप रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रिव्यू पिटीशन हर्ड बाय द सेम बेंच हु डिलीवर्ड द ओरिजिनल डिसीजन, जिसने ओरिजिनल डिसीजन दिया था उसी बेंच के द्वारा ये सुना जाएगा। ठीक है, द जजेस देन डिसाइड इन चैम्बर, पहले तो वो एक इन चैम्बर में डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है इसमें एरर हुआ है या इसमें रिव्यू पिटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो फिर उसके बाद डिसीजन होगा कि अब इसको ठीक है ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है रिव्यू पिटीशन। अगर रिव्यू पिटीशन भी फेल हो जाता है तब क्या करना चाहिए, अगर रिव्यू पिटीशन ऑप्शंस आफ्टर द रिव्यू पिटीशन फेल्स, तो अशोक हुर्रा केस में एक कंसेप्ट निकल के आता है, वो है क्यूरेटिव पिटीशन का। दोस्तों यही मैं बात कर रहा था कि अगर आपको पूरा याद नहीं आ रहा है रूपा हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा केस 2002 था, अगर आपको इतना नहीं याद आ रहा है, केवल हुर्रा केस ही याद आ रहा है, तो आप हुर्रा केस ही लिख दीजिए कि हुर्रा कोर्स में कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसेप्ट डेवलप किया था जिसको हम क्यूरेटिव पिटीशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के क्या क्या कंडीशंस होते हैं, इसमें इफ़ द पिटिशनर सक्सेसफुली इस्टेब्लिश दैट देयर इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर पिटिशनर जो है मतलब कि जो रिव्यू पिटीशन दायर कर रहा है, अगर वो ये साबित कर दे कि जो नेचुरल जस्टिस है, जो जस्टिस होना चाहिए वो नहीं हुआ है, तो क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, द पिटीशन इज टू बी सेंड टू 2-3, दोस्तों यहाँ पे सीनियर है, सीनियर 3 सीनियर मोस्ट जजेज एंड जजेज द बेंच विच पास्ट द जजेज टू द बेंच विच पास्ट द जजमेंट अफेक्टिंग द पिटीशन। दोस्तों थोड़ा सा मैंने बताया कि थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि कीबोर्ड हमारा ख़राब हो गया था, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उसी को ध्यान में रख करके पढ़िएगा। ठीक है, मतलब ये कि जो पिटीशन होगा उसके लिए 3 सीनियर मोस्ट जजेज के पास वो भेजा जाएगा पिटीशन, और वो जज अगर ये मानते हैं कि मेजॉरिटी के साथ ये मानते हैं कि नहीं क्यूरेटिव पिटीशन करना चाहिए, तो वापस इसको कोर्ट में सुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसी बेंच के द्वारा सुना जाएगा जिस जो ओरिजिनल डिसीजन दिया था, अगर पॉसिबल होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। अब देखते हैं एक मज़ेदार टॉपिक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों एक दो टॉपिक और हमारा बच रहा है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट कर लूँ। थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको टाइमली कंप्लीट भी करना है, ऐसा लोगों ने रिकमेंड भी हमको किया कि टाइमली कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा आप समझ के चलिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को जो है वो अमेंड करता है, और ये क्या चाहता है, सीक्स टू मेक फॉरेन इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ सर्टेन रिलीजियस कम्युनिटी, दोस्तों इस वर्ड को जरूर लिखिएगा, रिलीजियस कम्युनिटी एलिजिबल फॉर द इंडियन सिटीजन। कुछ रिलीजियस कम्युनिटी को जो इलीगली इंडिया में आए हुए हैं उनको क्या है, इंडिया का सिटीजनशिप देना इसका उद्देश्य है। अब एक बैकग्राउंड के रूप में ये देख लेते हैं कि इंडिया का सिटीजन कौन हो सकता है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक बात किया गया है कि कौन कौन सिटीजन हो सकता है। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बात किया गया है कि बर्थ के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, नेचुरलाइजेशन के द्वारा, या फिर कोई टेरिटरी है जिसको इंडिया इनकारपोरेट करती है अपनी टेरिटरी में, तो उसके द्वारा आप जो है इंडिया के सिटीजन्स हो सकते हैं। उसके बाद इसमें जो
मेन प्रोविज़न है उसमें क्या है कि ये इलीगल माइग्रेंट को डिफाइन करता है कैसे, पर्सन हु इंटर्स इन इंडिया इलीगली दैट इज विदाउट अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। अगर उसके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट के इंटर किया है इंडिया में, या फिर वो इंडिया में लीगली तो इंटर किया था, इंटर तो लीगली किया था लेकिन वो जितना टाइम दिया गया था उसको रुकने के लिए उससे ज़्यादा टाइम तक रुक गया है, तो ऐसे दो कंडीशन को जो फॉलो कर रहे हैं दोनों में से कोई एक कंडीशन को, तो क्या होंगे, इलीगल माइग्रेंट्स होंगे। दोस्तों माइग्रेंट पे या सिटीजनशिप पे जो एक्ट बनाने का या जो अमेंड करने का अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो दो एक्ट्स के थ्रू आता है। पहला फॉरेन एक्ट 1947 और एक बहुत पुराना एक्ट है 1920 का पासपोर्ट एक्ट 1920। इन्हीं तो एक्ट्स के पावर को एक्सरसाइज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये अमेंडमेंट कर सकती है या अमेंडमेंट करती रहती है या फिर माइग्रेशन या इलीगल माइग्रेशन को डिफाइन करती है। अब देखते हैं कि जो CEA है उसका की प्रोविजंस क्या है। सिक्स कम्युनिटीज़ फ्रॉम द थ्री कंट्रीज। सिक्स कम्युनिटीज़ कौन कौन से हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख, क्रिश्चियन, ठीक है, ये सब सारे जो हैं कम्युनिटीज़ और फ्रॉम द थ्री कंट्रीज मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी आने वाले हैं वो इस प्रोविज़न में बात करता है कि उनको हम अपने यहाँ का सिटीजनशिप देंगे। अगर क्यों, उनका बेसिस क्या है, बेसिस ये है कि उनको उनके ऊपर जो है रिलीजियस परसिक्यूशन होता है उनके कंट्री में, तो उनको बचाने के लिए उनको ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के तहत जो है ये काम हम कर रहे हैं। और इसकी जो कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आए हैं उनके बारे में ये बात करता है। उसके बाद जो है उनको स्टेटस जो दिया जाएगा वो क्या होगा, दिस कम्युनिटीज विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स फॉर वायलेटिंग प्रोविजंस ऑफ अबव टू एक्ट्स। मतलब ये कि फॉरेन एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 में जो प्रोविजंस हैं अगर ये माइग्रेंट्स जो है उसको वायलेट करते हैं तो उनको एग्जेम्प्ट बोला जाएगा, एग्जेम्पशन दिया जाएगा, मतलब उनको जो है ये नहीं माना जाएगा कि ये उसको वायलेट कर रहे हैं और इलीगल माइग्रेंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है CEA का की प्रोविजन है। अब इसमें कुछ एक्सक्लूडेड एरिया हैं कि मतलब जहाँ पे CEA लागू नहीं होगा कहाँ कहाँ पे, मतलब जो सिक्स शेड्यूल के अंदर आते हैं जो एरिया, मतलब असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। उसके साथ साथ दोस्तों ऐसे एरिया जहाँ पे इनर लाइन परमिट रेजीम है वहाँ पे ये लागू नहीं होगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दोस्तों इनर लाइन परमिट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये एक ऐसा परमिट है कि जैसे मान लीजिए नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश का हम एग्जाम्पल ले लें, तो आप अगर भले ही इंडियन सिटीजन हैं, भले ही आप आसाम से जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने लगेंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट वहाँ पे बनाया जाएगा वहाँ की अथॉरिटीज़ के लिए, अथॉरिटीज़ के द्वारा, कि उस पर आपका सारे डिटेल्स लिखे जाएंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, आपका नाम क्या है और सारी चीज़ें क्या हैं, वो डिटेल पूरा होगा, फिर आप उसको ले करके इंटर कर सकते हैं। बिना उस परमिट के आप उस एरिया में इंटर नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनर लाइन परमिट, जो कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पर लागू है। दोस्तों ये अंग्रेज़ों ने लागू किया था और कहीं ना कहीं ठीक भी है अभी के लिए, वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में ये इस समय इनर लाइन परमिट लागू है, तो जहाँ पे इनर लाइन परमिट लागू है वहाँ पे CEA लागू नहीं होगा। द एक्ट आल्सो इनेबल्स द गवर्नमेंट टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ समवंस OCI कार्ड इफ दे वायलेट द प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप लॉ आर एनी अदर लॉ, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है ये एक्ट जो है क्या करता है, उनको इस चीज़ का भी अधिकार देता है, किसी भी OCI कार्ड धारक का लाइसेंस ये जो है क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब इसमें इशूज क्या है, डीलिंग विद द एसाइलीज एंड रिफ्यूजीज, कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है रिफ्यूजीज को डील करने के लिए, कोई नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाई है। इसके लिए क्या करती है, होम मिनिस्ट्री जो है टाइम टू टाइम केस बेसिस पे, केस टू केस क्या करती है, अलग अलग प्रोसीजर जो है इस्टेब्लिश करती है, अलग अलग लॉ और कानून बनाती रहती है समय समय पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक इशू है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, किस किस को इंक्लूड किया जाए इसमें, किस को नहीं किया जाए। तो जैसे आप बहुत सारे लोगों को ले लिए, 6 कम्युनिटीज को ले लिए, लेकिन रोहिंग्याज भी तो बेचारे परेशान हैं, परसिक्यूटेड हैं, तमिल लोग भी तो परसिक्यूटेड हैं, अब फिर उसके बाद पाकिस्तान के अहमदिया भी तो परसिक्यूटेड हैं, आप उनको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये भी एक सवाल है, एक इशू है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 दोस्तों क्या है कि ये सिटीजन नॉन सिटीजन सबको मिलता है, तो ये जो है एक वायलेशन है। और अगर आप रिलीजियस बेसिस पे कोई कानून बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेक्युलरिज्म
सेक्युलरिस्ट कैसे कह सकते हैं, सेक्युलर स्टेट आप अपने आप को नहीं कह सकते हैं, तो ये उसका भी वायलेशन है, ये आप अपने इशू में जरूर लिखिएगा। उसके बाद रन्स काउंटर टू असम एकार्ड। असम एकार्ड में कहा गया है कि जो 24 मार्च 1971 के पहले लोग आए हैं उनको हम सिटीजनशिप देंगे, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 2014 के पहले जो लोग आ रहे हैं उनको हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, 6 कम्युनिटी के लोग। तो ये एक इंटरमिक्सिंग हो रही है, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जा रहा है। इवन जो असम एकार्ड है और जो CEA है इसमें काउंटर हो रहा है, ये कुछ और कह रहा है वो कुछ और कह रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों जो असम एकार्ड है उसमें रिलीजियस कंसिडरेशन है ही नहीं, रिलीजन का कोई उसमें मुद्दा है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अभी CEA है इसमें क्या है, रिलीजियस कंसिडरेशन रखा गया है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इशूज जो इन्वॉल्व हैं। उसके साथ साथ दोस्तों पैसा खर्च होगा, इकोनॉमी पे भी भार पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा एक्सचेकर है गवर्नमेंट का उस पे तो भार आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ दोस्तों जो भी एरिया है उसमें इनस्टेबिलिटी और होस्टिलिटी होगी, किस तरह की होती है आप CEA के बारे में आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से विद्रोह और ये सब सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद जब भी कोई इनस्टेबिलिटी होती है देश में तो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमेशा चाहता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें। उसके साथ साथ दोस्तों हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह का होस्टाइल कंडीशन देश में रहेगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो प्रोसीजर है, हमारा जो हमारा एफर्ट है वो भी बैडली इम्पैक्ट होगा, बैडली अफेक्टेड होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब इसी के साथ साथ लगे हाथ NPR भी देख लेते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, दोस्तों ये क्या है, आसान भाषा में इसको समझ लीजिए कि ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें ऐसे लोगों का नाम लिखा जाता है कि जो कि इस कंट्री में पिछले 6 महीने से रह रहे हैं या फिर अगले 6 महीने तक रहने का जो है कोशिश करते हैं या फिर अगले 6 महीने तक वो रहना चाह रहे हैं। दोस्तों NPR ऐसा रजिस्टर है जिसमें केवल भारतीयों का नाम नहीं बल्कि जो फॉरेनर्स हैं और वो अगले 6 महीने तक रहना है उनको इंडिया में, ऐसे लोगों का सारा डिटेल जो होता है उसको हम NPR बोलते हैं, ठीक है। इसमें केवल सिटीजन की ही बात नहीं की जाती बल्कि जो नॉन सिटीजन हैं, नॉन इंडियन रेजिडेंट्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट, तो सॉरी पासपोर्ट नहीं, जो इंडियन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं है, वो भी इसमें शामिल है। कुल मिला के देसी विदेशी लोग सब इसमें शामिल हैं, ऐसे लोग जो पिछले 6 महीने से या तो इंडिया में रह रहे हैं या फिर अगले 6 महीने तक रहने का उनको रहना है, ठीक है, ऐसे लोगों का इसमें होता है। अब इसमें NPR रजिस्टर हैविंग द बोथ बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स। बायोमेट्रिक डिटेल्स का मतलब ये कि आपका फिंगरप्रिंट, आपका जो आई स्कैन है, ठीक है दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें भी रखी जाती हैं। उसके साथ साथ डेमोग्राफिक डिटेल्स मतलब पेरेंट नेम, ठीक है, नेशनलिटी और प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, ये सब सारी चीज़ें भी उसमें ली जाती हैं। यह दोस्तों एक सेल्फ डिक्लेरेशन एक्सरसाइज है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। BJP गवर्नमेंट जब भी बाहर आती थी मीडिया के सामने NPR और NPR को लेकर के जो भी ह्यू एंड क्राई हो रहा था, जो भी लोगों में असंतोष हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, तो हमेशा वो यही बात कहती थी कि देखो ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन एक्सरसाइज है कि आप खुद से अपने बारे में बताइए और उसको प्रूव करने के लिए हम आपसे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये जो प्रिपेयर किया जाएगा ये विलेज, सब डिवीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड देन नेशनल लेवल पे प्रिपेयर किया जाएगा अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशूज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003, ठीक है। इतना बड़ा अगर याद नहीं भी आ रहा है आपको तो कोई बात नहीं, आप सिटीजनशिप एक्ट 1955 लिख के आइए, पर्याप्त है, उसी के तहत NPR की बात की जाती है। पहला जो NPR डाटा कलेक्ट किया गया था वो 2010 में कलेक्ट किया गया था और ये जो है 2015 तक के लिए था, ठीक है। और ए प्रपोजल टू इशू रेसिडेंट आइडेंटिटी कार्ड, मतलब ये कि कुल मिला के NPR के थ्रू आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा जिसपे आपका आधार नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये जो है NPR के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि PDF आपको मिल जाएगा तो PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप इसका ले लीजिएगा। अब NPR जो है क्या करेगा, NPR का फ़ायदा ये है कि ये देखिए गवर्नमेंट के पास अगर आपके पास आपकी सारी जानकारी होगी, आपके नीड, आवश्यकताएं, आपकी परेशानियां सब कुछ पता होगा, तो उनको अच्छा एक इफेक्टिव जो कानून है, जो स्कीम है, प्रोग्राम भी डिजाइन करने में मदद होगी और उसके साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने में भी मदद होगा। इट आल्सो लिस्ट द डेप्रिवेशन लेवल ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, हमने बताया कि लोगों की परेशानी क्या है, NPR से गवर्नमेंट को वो भी पता चल जाएगा। अब NPR और NRC दोनों में क्या डिफरेंस है इसको एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, एनपीआर इज इंडीड अ बेसिस ऑफ एनआरसी, बिना एनपीआर के एनआरसी नहीं हो सकता है। सेक्शन 14A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू कंपल्सरली रजिस्टर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड टू मेंटेन एनआरसी। दोस्तों एनपीआर कंपलसरी है गवर्नमेंट के लिए, एनपीआर करना कंपलसरी है, लेकिन एनआरसी करना कंपलसरी नहीं है। द एनआरसी इज जनरेटेड आउट ऑफ एनपीआर डेटाबेस, हमने बताया, बट मेंटेनिंग द एनआरसी इज नॉट मैंडेटरी। एनआरसी को मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एनपीआर को मैंडेट कर रजिस्टर करना, एनपीआर को मेंटेन करना मैंडेटरी है। द सिटीजनशिप रूल 2003 इंट्रोड्यूस द टर्म पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, जो ये 2003 का रूल था वो पॉपुलेशन रजिस्टर को इंट्रोड्यूस किया है। विदाउट एनपीआर देयर विल नॉट बी एनआरसी, बिना एनपीआर के आप एनआरसी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है इशूज क्या है, इशूज दोस्तों यही है, सबसे बड़ा इशूज है वो है प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी का, क्योंकि आपका आधार कार्ड नंबर है उसमें, और आधार कार्ड में सारे डिटेल्स हैं आपके, बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं, आपकी डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं, तो जो आपकी प्राइवेसी का इशू है ये सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। और उसके साथ साथ जो इसको लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग और एंग्जाइटीज़ हैं लोगों के दिमाग में, और उससे जो सोशल अनरेस्ट और सोशल डिस्टर्बेंस काज हो रहा है, वो एक गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है। उसके बाद ड्यूरिंग द एनआरसी एक्सरसाइज देयर आर सेवरल इंस्टांसेज वेयर सम मेंबर्स ऑफ अ फैमिली फीचर्ड इन द ड्राफ्ट लिस्ट व्हाइल द अदर डिड नॉट। सिंपल सा मतलब इसका है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, मतलब एक ही फैमिली में कुछ लोग हैं जिनका नाम एनपीआर में है, और एक ही फैमिली में कुछ लोग हैं जिनका नाम एनपीआर में नहीं है, तो ये तो गलत बात है, ये तो मतलब एक्सरसाइज में फॉल्ट है। ठीक है, तो ये एक इशू है। उसके बाद द आइडिया ऑफ एनपीआर इज लाइकली काज फॉर द वरी सिंस देयर कुड बी सच डिस्क्रिपेंसीज इन द एनपीआर एज वेल, एनपीआर का जो सिस्टम है उसमें खुद ही कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से कुछ हमको परेशानी की बात है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका इशूज हो गया, एनपीआर क्या होता है, एनआरसी क्या होता है, उसके दोनों का कंपेरिजन देख लिया, इशूज देख लिया। अब इसमें एक वे फॉरवर्ड लिखना है आपको, एनपीआर के पक्ष में वे फॉरवर्ड लिखना है कि गवर्नमेंट के पास ऐसा डाटा बेस होना चाहिए जिसमें कि वो अपने सिटीजन्स में, सिटीजन्स के बारे में, या फिर जो भी इंडियन सॉइल पे रह रहे हैं उनके बारे में गवर्नमेंट के पास जानकारी रहनी चाहिए। क्यों? ताकि वो जो भी सोशल एंड वेलफेयर स्कीम्स है उसको अच्छे से लागू कर पाए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाए, ठीक है, अपना पॉलिटिकल एक्टिविटी जो भी है उसको अच्छे से कर पाए। इन सब चीज़ों को करने के लिए क्या है, आपको इस तरह का रजिस्टर, इस तरह का डेटाबेस गवर्नमेंट के पास होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ये आज का आखिरी टॉपिक है, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, इसको ख़त्म कर देंगे अगला 5-7 मिनट में। ठीक है, तो ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, आपको मैंने बताया था कि ये बिल है 2019 का, मैंने बताया था कि ड्राफ्ट और बिल से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये मेरा मिसकैलकुलेशन था और इसमें जो है मैं खुद ही धोखा खा गया। दोस्तों जब मैं 2018 का UPSC का मेंस लिख रहा था तो उसमें ये ड्राफ्ट था, तो हमने सोचा कि अभी तो ये ड्राफ्ट है, इसको मैं क्यों पढ़ूं। ठीक है, तो फिर भी लेकिन पढ़ा था थोड़ा थोड़ा, बस ऊपर से ही पढ़ के गया था कि ये क्या है, श्री कृष्णा कमेटी क्या है, ठीक है, और ये जो है ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि हल्के में पढ़ लेंगे, चूँकि ये तो ड्राफ्ट है, आएगा नहीं, लेकिन ये पूछ लिया। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ कि आप बाद में ऐसा कहें कि आपने सर तो यहाँ पे चीज़ें डिस्कस किया ही नहीं था। हालांकि करंट अफेयर्स एक सागर है, इसमें हर दिन हर क्षण कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें कवर नहीं की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली हो सकता है कि मेरे इस प्रोग्राम में ना हो, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लेते हैं कि ये लोकसभा में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ये जो बिल है इसका एम क्या है, ये चाहती क्या है। इट द बिल सीक्स टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा, जो आपका डाटा है, जो आपके बारे में है, जो आपका नाम है, जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन है, जो आपके जो भी सोशल कंडीशंस हैं, उन सब डाटा को प्रोटेक्ट करना इस जो है प्रोविजन का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है लेज डाउन अ लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ द कंसेंट इन द डाटा शेयरिंग। एक एग्जांपल लेके दोस्तों मैं समझाता हूँ कि आप प्ले स्टोर से जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, तो क्या करता है, तमाम चीज़ों पे कहता है कि अलाउ कीजिए, अलाउ कीजिए, अलाउ कीजिए। आप अलाउ करते भी हैं, और कई बार दोस्तों आप चाहते हैं कि आप अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि अब वो ऐप डाउनलोड किए हैं तो ऑब्वियसली आपको काम है उससे, आपको कुछ सीखना है उससे, कुछ काम करना है, कुछ इंटरटेनमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें क्या करना है आपको,
आपको आपकी मजबूरी बन जाती है उसको अलाउ करना। क्यों? क्योंकि जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो चलेगा ही नहीं। ये तो मतलब कि जबरदस्ती हो गया ना कि आप अपना कंसेंट दो तभी हम आगे बढ़ेंगे। मतलब ये कि कहा तो जाता है ये कि हम आप लोगों से पूछ के कंसेंट लिए हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि डंडा लेके खड़े हो जाएं कि नहीं अपना कंसेंट दो अपना कंसेंट दो अपना कंसेंट दो, ठीक है तभी हम आपका काम करेंगे तभी हम आपका काम करेंगे, तो जबरदस्ती आपका कंसेंट लेना हो गया ना। मतलब कि आपका जो अनुमति है वो तो जबरदस्ती लेना हो गया ना दोस्तों। तो जो कंसेंट है डाटा शेयरिंग का, उसको प्रिजर्व करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना इस जो बिल है इसका उद्देश्य है। दो उद्देश्य हैं मेनली, कि एक तो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा और दूसरा जो लॉ ऑफ कंसेंट है, जो सैंक्टिटी है उसका जो उद्देश्य है, जो उसकी पवित्रता है। सैंक्टिटी मतलब कि आपकी अनुमति की जो पवित्रता है उसको मेंटेन करना, ठीक है। अब ये एक्ट पर्सनल डाटा को डिफाइन भी करता है। पर्सनल डाटा इज द डाटा विच परटेन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट एट्रीब्यूट्स ऑफ आइडेंटिटी विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल। आसान भाषा में समझिए कि ऐसा डाटा जिससे आपकी पर्सनल जानकारी, जैसे आपका नाम एड्रेस ये सब सारी चीज़ें जिस चीज़ से पता चल जाए उसको आपको उसको जो है पर्सनल डाटा कहा जाता है। आसान भाषा में यही है, पर्सनल डाटा इज द डाटा विच हेल्प्स आइडेंटिफाई ए पर्सन, फॉर एग्जाम्पल नेम एंड एड्रेस, ये होता है पर्सनल डाटा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं कि इनका जो प्रोविजंस है वो क्या क्या है। सबसे पहला प्रोविजन यही है कि ये बिल जो है डाटा को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करता है। सबसे पहला कि सेंसिटिव पर्सनल डाटा, मतलब जैसे पासवर्ड हो गया, फाइनेंशियल डाटा हो गया, हेल्थ डाटा हो गया, या फिर आपका बायोमेट्रिक डाटा हो गया, कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल अफिलिएशन, ये सब डाटा हो गया, इसको सेंसिटिव डाटा के रूप में क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद क्रिटिकल डाटा, यही मुख्य मुद्दा है, यही मुख्य जो इशू है वो यही है क्रिटिकल डाटा का। क्रिटिकल डाटा को कोई डिफाइन नहीं किया गया है, इसको क्या करेगा, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफाइन करेगी। परटेनिंग टू द मोस्टली टू द सिक्योरिटी एंड डिफेंस मैटर्स, ठीक है, ये इसको गवर्नमेंट डिफाइन करेगी कौन सा डाटा क्रिटिकल डाटा है। और तीसरा कैटेगरी है वो है जनरल डाटा का, मतलब कि जो नॉन क्रिटिकल और नॉन सेंसिटिव डाटा है वो सब डाटा कौन से हैं, जनरल डाटा है। बहुत आसान है इसको लिखना, कि एक सेंसिटिव डाटा है जिसमें आपको जितने भी डाटा याद आए वो सब लिख दीजिए जो आपके लिए सेंसिटिव है, खुद अपने ऊपर अप्लाई करके। आपका कोई पासवर्ड हो गया, आपका कोई फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया, आपका पॉलिटिकल अफिलिएशन हो गया, ठीक है, आपका बायोमेट्रिक डाटा हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, ये सब सारी चीज़ें लिख दीजिए। उसके बाद क्रिटिकल डाटा में लिखिए कि इसको गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। उसके बाद जनरल डाटा में लिखिए कि जो ऊपर दोनों में नहीं है वो जनरल डाटा है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज एंड प्रोसेस ऑफ द डाटा की बात करता है। स्टोरेज का मतलब ये कि आपके आपसे जो डाटा लिया गया उसके बाद दोस्तों उसको प्रोसेस किया जाता है, उसका ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है, जिसको हम बिग डाटा एनालिटिक्स भी बोलते हैं, तो उसको हम डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं, कि उस डाटा में से ऑब्जर्व करना, उस डाटा में से चीज़ों को निकालना, ठीक है दोस्तों, इसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि जो ये बिल है वो क्या कहता है कि नो पर्सनल डाटा कैन बी प्रोसेस्ड एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक क्लियर एंड लॉफुल पर्पज। जो आपका सेंसिटिव डाटा है, जो पर्सनल डाटा है, उसको प्रोसेस्ड नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई लॉफुल और स्पेसिफिक पर्पज ना हो। अब स्पेसिफिक पर्पज और ये सब चीज़ें अलग अलग जो ये क्लासिफिकेशंस है उसके लिए अलग अलग हैं। जैसे सेंसिटिव डाटा कैन बी स्टोर्ड ओनली इन इंडिया, अगर आपको सेंसिटिव डाटा कोई स्टोर करना है तो आप जो है केवल इंडिया में स्टोर कर सकते हैं। अभी इसको आगे और भी अच्छे से इसको मैं बताऊंगा कि क्या है मुद्दा। उसके बाद इसको अगर आउटसाइड आप स्टोर करना चाहते हैं तो आपको इंडियन गवर्नमेंट का कंसेंट लेने आवश्यक होगा। उसके साथ साथ दोस्तों इन जो क्रिटिकल डाटा है उसको स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन इंडिया ओनली, ठीक है, केवल इंडिया में जो क्रिटिकल डाटा है उसको केवल इंडिया में ही स्टोर भी किया जा सकता है, केवल प्रोसेस किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो जनरल डाटा है इसके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दोस्तों ये सब रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर लगाया जा रहा है अभी बताते हैं, जिसको हम डाटा फिड्यूसीरीज बोलते हैं, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं इसमें, इन सर्टेन केसेस पर्सनल डाटा कैन बी प्रोसेस्ड विदाउट कंसेंट, ठीक है। और ये जो सरकमस्टांसेस होंगे वो क्या हो सकते हैं, कि कोई भी मान लीजिए कोई बेनिफिट प्रोवाइड करवाना है या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें जो है ये डाटा जो है बिना किसी कंसेंट के प्रोसेस किए जा सकते हैं। उसके बाद शेयरिंग ऑफ एनोनिमाइज्ड डाटा विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ आपको जो है डाटा को शेयर करना है, कौन शेयर करेगा, जो डाटा फिड्यूसीरीज हैं,
अभी बताते हैं कि डाटा फिड्यूशियरीज क्या होते हैं। उसके बाद दोस्तों इस बिल में कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं कि मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज को एग्जेम्प्ट कर सकती है कि आप किसी भी तरह का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। और इसका जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य सिक्योरिटी है, पब्लिक आर्डर है, सॉवरनिटी है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और फ्रेंडली रिलेशंस वाले जो फॉरेन स्टेट्स हैं उनके लिए अगर कोई एजेंसी यूज करना चाहती है तो बिना कंसेंट के यूज कर सकती है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटा फिड्यूशियरीज। डाटा फिड्यूशियरीज कौन होते हैं जो आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं? सिंपली आपका जो वोडाफोन, एयरटेल, BSNL जो भी चीज़ें हैं, जियो, ये सब क्या है? डाटा फिड्यूशियरीज हैं, क्योंकि ये डाटा आपको प्रोवाइड करती हैं कुछ सर्विसेज और उसके बदले में आपका कुछ डाटा वगैरह लेती हैं, तो ये सब डाटा फिड्यूशियरीज हैं। ठीक है, ऑल डाटा फिड्यूशियरीज मस्ट अंडरटेक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मीजर्स, इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी सेफगार्ड्स एंड इंस्टीट्यूट ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म। ये बिल कहता है कि जो भी डाटा कलेक्ट करने वाले मैकेनिज्म हैं, आप केवल इसमें वोडाफोन, एयरटेल, BSNL का ही एग्जाम्पल हमने लिया है, केवल यही नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और ये सब सारी चीज़ें हैं, या फिर कोई ऐप है, गूगल है, ये सब सारी चीज़ें, ये सब भी डाटा फिड्यूशियरीज हैं, क्योंकि ये सब भी आपका डाटा लेती हैं। तो ये बिल कहता है कि आप ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करो ताकि आपका जो ट्रांसपेरेंसी है वो हो आपके मैकेनिज्म में और आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी सेफगार्ड्स हैं उनको भी आप लागू कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया डाटा फिड्यूशियरीज के बारे में कि उनको क्या क्या करना है। इस बिल में कुछ प्रिंसिपल, डाटा प्रिंसिपल्स मतलब आप इंडिविजुअल, उनको भी कुछ अधिकार दिया गया है। दो अधिकार है, राइट टू ऑब्टेन कन्फर्मेशन, वही अलाउ करो अलाउ करो अलाउ करो, मतलब कन्फर्मेशन आपका लेना जरूरी है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये ग्लोबल जो एंटिटीज हैं वो किस तरह से खेलती हैं हमारे साथ। ठीक है, आपको कोई ऐप आपने डाउनलोड किया, आपको काम करना इसीलिए डाउनलोड किया, अब आप उसमें तमाम चीज़ें अलाउ कर दो कि यहाँ तक कि यार कहते हैं कि आपका, हमको जो वॉइस कॉल आप कर रहे हो ना, हमको इसको भी सुनना है, आप उसको भी अलाउ करो। आप नहीं अलाउ करोगे तो आपका ऐप काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ज़बरदस्ती आपका कंसेंट लिया जाता है। उसके बाद दूसरा अधिकार है राइट टू फॉरगॉटन, मतलब ये कि जो भी डाटा है आप उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं तो जो भी डाटा हमने दिया, जब भी हमारा सर्विस खत्म हो रहा है तो आप उसको डिलीट करिए, ये अधिकार दिया गया है इंडिविजुअल्स को, जिसको हम डाटा प्रिंसिपल्स बोलते हैं। दोस्तों ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा जो भी पॉइंट्स हैं, कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा इस बार आयोग। ठीक है, तैयार रहिएगा इस पर। उसके बाद एक्ट जो है सोशल मीडिया को भी डिफाइन करता है, ऐसे इंटरमीडियरी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने में सहायता करते हैं उसको हम सोशल मीडिया कहते हैं। उसके बाद ऑफेंसेज और पेनल्टीज की भी ये बात करता है ये एक्ट। उसके बाद एक डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी, किस लिए? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पर्सनल डाटा एंड इंश्योर द कंप्लायंसेज। एक DPA बनाया जाएगा जो कि इन सब सारे चीज़ों को, सारे मुद्दों को देखेगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि ऐसे लॉ का हमको ज़रूरत क्या है। दोस्तों सबसे बड़ा ज़रूरत यही है कि अगर आपके पास डाटा है तो समझिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब डाटा इज़ द न्यू फ्यूल ऑफ द इकोनॉमी। ऐसा केवल एक ही व्यक्ति नहीं, इंडिया का एक बहुत मशहूर व्यक्ति कहा, जियो के ओनर ने, ठीक है, डाटा इज़ द न्यू फ्यूल ऑफ द इकोनॉमी। पता नहीं वो पहले पर्सन थे ये कहने वाले, लेकिन अभी तो ग्लोबल लीडर सारे यही एक ही चीज़ बोल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, राइट टू प्राइवेसी एंड द फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी अभी आपका जो है वो फंडामेंटल राइट है, मतलब कि प्राइवेसी आपका मेंटेन रखना है, अगर वायलेशन होता है तो आप सीधा आर्टिकल 32 और 226 के तहत कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर में जो भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, जो भी आपका डिफेंस सिक्योरिटी है, जो भी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, जो भी सिक्योरिटी है, उसको क्या किया जा सकता है कि अगर आपका डाटा सारा कुछ है, सपोज दैट कि गूगल के पास इंडियन सिटीजन, सारे सिटीजन्स का रोज़ की एक्टिविटी, फेसबुक के पास आपके पास आपकी रोज़ की एक्टिविटीज, आप जो भी कर रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आई एम हैविंग फन विद माई फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू चिल, ठीक है, आई एम टेकिंग अ मील, आई एम गोइंग टू ये, आई एम गोइंग टू वो, उसके ऊपर से आप टैग कर देते हैं 100-150 लोगों को। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके हर एक मूवमेंट पे अगर इन सब एंटिटीज़ का, इन सब चीज़ों का रेगुलेशन होगा तो क्या होगा कि अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आएगा तो इन सब डाटा का क्या हो सकता है, एडवर्सली यूज किया जा सकता है। दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में मान लीजिए कि डाटा सारे, अब जैसे जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें हम ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज पे डिपेंड हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है, हमारा जो भी कार्गो है कहाँ पे मूव कर रहा है, हमारा जो फ्लीट्स हैं वो कहाँ पे मूव कर रही हैं, ठीक है, तो हालांकि सारे डाटा नहीं होते हैं, सारे डाटा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ डाटा होते हैं, तो उतने से भी क्या हो सकता है कि अगर कोई एडवर्स
कंडीशन आती है, एडवर्स सिचुएशन आता है जिसमें क्या कहते हैं कि अमेरिका को मान लीजिए कि इंडिया के अगेंस्ट काम करना है, तो बहुत ही आसानी से ऐसे डाटा को मिसयूज कर सकती है और उसको जो हमारा अपोनेंट कंट्री है या अमेरिका खुद अपने फायदे के लिए उसका यूज कर सकती है। ठीक है, तो जो हमारा सिक्योरिटी है, जो डिफेंस है, वो भी जो है खतरे में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो है ऐसे ला का नीड है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखते हैं इशूज क्या क्या है इसमें डाटा को लेकर के। सबसे पहले डाटा लोकलाइजेशन एक इशू है कि अगर आपको कोई भी एंटिटीज है, कोई भी प्राइवेट कॉरपोरेशन है, तो उसको क्या है कि अगर मान लीजिए अभी वो इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपको सारे डाटा इंडिया में आपको स्टोर करना है, तो उसको एक एडिशनल कास्ट खर्च करना पड़ेगा। और जब एडिशनल कास्ट खर्च करेगा तो उसके पास पैसा ऑब्वियसली कम होगा, और जब पैसा कम होगा तो जो इनोवेशन होता है, इनोवेशन जो है इनोवेशन की तरफ कम ध्यान दे पाएंगे वो लोग। ठीक है, उसके बाद डीपीए इज अ वीक अथॉरिटी हैविंग ओनली एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अगेंस्ट द श्री कृष्णाज रिकमेंडेशंस। इसमें केवल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जबकि श्री कृष्णा जो कमेटी बनी थी उसमें एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी और जो डाटा फिड्यूशरीज हैं वहाँ से, कॉरपोरेट सेक्टर से सबको इंक्लूड करने की बात की गई थी, लेकिन जो अभी बिल पास हुआ है उसमें केवल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की बात की गई है। उसके बाद ब्लैंकेट एग्जेम्पशंस फॉर द स्टेट एंटिटीज, सरकारी एंटिटीज को जो एग्जेम्पशंस दिया जा रहा है वो क्या कर सकती हैं, अपने पावर का मिसयूज कर सकती हैं, ये एक है। उसके बाद इन्फोर्स डाटा ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट बाई फिड्यूशरीज एब्यूज एंड मिसयूज, मतलब जो भी डाटा फिड्यूशरीज है, मतलब जो भी डाटा आपका कलेक्ट कर रही हैं, उनको वो सारे डाटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करना मस्ट है। तो इससे ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है कि इसका मिसयूज हो सकता है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ पर्सनल डाटा बहुत ब्रॉड है, इससे भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ये सब इशूज हैं। तो दोस्तों इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड में कुछ नहीं करना है आपको, श्री कृष्णा कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसको उठा के सीधा सीधा लिख देना है। इसमें उन्होंने ये कहा था कि जुडिशियल और पॉलिटिकल ओवरसाइट होना चाहिए या जुडिशियल अप्रूवल होना चाहिए किस पे, नॉन कंसेंसुअल एक्सेस टू द पर्सनल डाटा। ठीक है, अगर पर्सनल डाटा का कोई एक्सेस चाह रहा है तो उसका जुडिशियल और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होना चाहिए। विदाउट दीज द एग्जेम्पशंस ग्रांटेड फॉर द, वही बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं डाटा को एक्वायर करने के लिए, उसको एक सर्विलांस के रूप में इस गवर्नमेंट जो है यूज कर सकती है। उसके साथ साथ दोस्तों द गवर्नमेंट हैव टू मेंटेन गोल्डन बैलेंस बिटवीन द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा एंड द डिजिटल लिटरेसी एंड साइबर सवर्निटी, मतलब ये कि गवर्नमेंट को केवल अपने ही फायदे के लिए ये सब सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि बैलेंस, एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए किसमें, ताकि जो है या जो पर्सनल डाटा है आपका उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके और लोगों की जो डिजिटल लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, उसको भी इंश्योर किया जा सके, और उसके साथ साथ जो साइबर चैलेंजेज हैं हमारे पास उसको भी हैंडल किया जा सके। उसके बाद देयर शैल बी नो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा फ्रॉम एनी वन विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट के कोई भी किसी भी प्रकार का डाटा को प्रोसेस नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद द लॉ शुड स्ट्रिक्टली राइट डाउन द सर्कमस्टांसेज अंडर विच द पावर्स कैन बी एक्सरसाइज एंड हु कैन एक्सरसाइज द पावर एंड व्हाट इज द प्रोसीजर अंडर विच इट कैन बी डन। इतना बड़ा सेंटेंस, छोटा सा मतलब ये कि एक स्ट्रिक्टली आप प्रोसीजर लिखिए, आप रूल लिखिए कि वो कौन शक्तियाँ हैं, कौन लोग हैं, और जो कि आपका डाटा को एक्सरसाइज, डाटा को कलेक्ट करने के लिए अपना पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं, और उनका प्रोसीजर क्या होगा डाटा को कलेक्ट करने का। आसान भाषा में आप इतना समझिए। तो ये डाटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में आप इतना अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये लंबा इसलिए हो गया क्योंकि मैं अब ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी एक्सक्यूज हो, किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको अच्छे से समझ में ना आए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमसे लगातार कांटेक्ट में हैं और वो बार बार यही कहते हैं कि सर आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, आप जितना पढ़ा रहे हैं हम उतना ही पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स में हम और कुछ नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं उनको एश्योर करना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स में 95%, मोर देन 90% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो खैर आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।